La 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 la. आज मैं आपको एडगर वॉलेस की द स्ट्रेंजर ऑफ द नाइट कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। तो आओ सुनो कहानी वो अजनबी। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। पीछे दीवार की बड़ी सी घड़ी टिक 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 कर रही थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। अचानक उसी मेज़ पर रखी टेलीग्राफ मशीन तेज़ी से बोलने लगी। हवलदार बाहर से अंदर आया और बैठकर मशीन से आते संदेश को लिखने लगा। सब चौकियों को सूचित किया जाता है, जॉर्ज थॉमस को, जिसकी उम्र 35 साल है और जो परोल पर बाहर है, गिरफ्तार करें। कद 5'8", बाल काले, आंखें भूरी, देखने में शरीफ। वॉल्थमस्टो और कैनिंग टाउन के गोदाम की चोरी के लिए। अरे, इंस्पेक्टर बोला, ये तो मैंने इन्हें कई घंटे पहले बता दिया था। बाहर बारिश में भीगता हुआ एक आदमी अपने कोट के कॉलर ऊपर करे, अपने हाथ जेब में धसाए और सर लटकाए चला आ रहा था। वो आकर पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों के बाहर ठिठका और फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अंदर गलियारे तक आया, जहां पे अंदर कमरे में हो रही बातचीत की आवाज आ रही थी। अजीब बात है, इंस्पेक्टर कह रहा था, मैंने सोचा था कि थॉमस सुधर गया है। इसका कारण उसकी बीवी है सर, हवलदार ने कहा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर इंस्पेक्टर ने कहा, फिर उसकी बीवी ने ही उसकी शिकायत क्यों करी? क्या वाकई सर, हवलदार ने कहा। गलियारे में खड़े आदमी ने यह सुना और दीवार से टिक गया। उसका हाथ अपने गले पर गया, उसका चेहरा फक पड़ गया और ओंठ कांपने लगे। उसी ने इसकी शिकायत की, इंस्पेक्टर को अब ये बात दोहराने में मज़ा आ रहा था। क्या तुम जानते हो उसकी बीवी को? हवलदार ने कहा, थोड़ा बहुत सर। देखने में सुंदर है, उसे थॉमस से अच्छा कोई मिल सकता था? शायद मिल ही गया सर, हवलदार ने रुखाई से कहा और दोनों ठठाकर हंस पड़े। ओ तो ये बात है, इंस्पेक्टर ने कहा। गलियारे में खड़ा आदमी चुपचाप बाहर आ गया। सीढ़ी से उतरते समय उसके पैर लड़खड़ाए और उसे रेलिंग पकड़नी पड़ी अपने को संभालने के लिए। उसका पूरा बदन कांप रहा था। बारिश अब और तेज़ हो गई थी पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बिल्कुल हतप्रभ था, अभी मिली जानकारी से मानो उसे लकवा मार गया था। उसने गोदाम में चोरी इसलिए की क्योंकि उसने उसे उकसाया था। उसके सुधरने की बात पर वो हंसी थी और ये चोरी को करने के लिए उकसाया था। और जब उसने ये चोरी कर दी अपनी पूरी काबिलियत के साथ बिना कोई सुराग छोड़े, तो उसने जाके पुलिस में रपट लिखा दी। ये कोई नई बात नहीं थी, औरतें ऐसा करती आई थीं, कभी ईर्ष्या से, कभी पागलपन की हद तक गुस्से से, किसी छोटी सी बात पर तिल मिलाकर। मगर उसने ये इसलिए किया था, सोच समझ के किया था, क्योंकि वो किसी और आदमी को इससे ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो शांत हो गया था और स्पष्टता से सोच पा रहा था। उसने अपना सर उठाया और चाल तेज कर दी। उसे याद आया कमर्शियल स्ट्रीट के पास एक छोटी सी दुकान थी जहाँ चीज़, मक्खन और खाने की चीज़ें बिकती थी। एक बार उसने वहाँ एक डबल रोटी का टुकड़ा और थोड़ी चीज़ खरीदी थी और काउंटर के पीछे खड़ी औरत ने चीज़ काटने के लिए बहुत भारी से नुकीले और तेज़ धार वाले चाकू का इस्तेमाल किया था। दुकान की तरफ बढ़ते हुए वो ये सोच रहा था कि ऐसा चाकू काउंटर के आसपास कहीं ड्रॉर में रखा होगा जहाँ ऐसी चुटपुट चीज़ें रखी जाती हैं। उसे पता था कि दुकान बंद होगी, शटर नीचे होगा और उसके पास
कोई औजार नहीं था जिससे वो उसे खोल सके। औजारों का थैला तो पुलिस के पास था। उसको आश्चर्य हुआ था कि उन्हें वो थैला कैसे मिला। अब वो जानता था कैसे मिला। अनायास ही आई एक सिसकी को उसने गले में ही रोक लिया। पर कोई ना कोई तरीका तो होगा उस चाकू को पाने का। अब वो कमजोर हो गया था, अपने हाथों से उसे नहीं मार सकता था। कितनी खूबसूरत थी वो। अब तक वह दुकान पर पहुंच गया था। बाहर सड़क पर एक बत्ती टिमटिमा रही थी और बारिश की टिपे टिपे हो रही थी, बस और कुछ नहीं। दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान था। एक यही रास्ता हो सकता था घुसने का, उसने सोचा। पंजों के बल खड़े होकर उसने रोशनदान के खांचे में टटोला और उसे वहां कोई चीज मिली। चाबी। छोटी दुकान वाले अक्सर सुरक्षा के प्रति लापरवाह होते थे। चाबी से ताला खोलकर वह अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी जेब की माचिस बिल्कुल भीग चुकी थी। टटोल टटोल कर उसने एक माचिस ढूंढी और तीली जलाई। गरम दुकान में खाने की महक भरी हुई थी। दुकान को रात के लिए बंद करने से पहले साफ किया गया था। काउंटर बिल्कुल साफ था और तराजू के पास ही बांट रखे हुए थे और मक्खन को करीने से एक महीन कपड़े से ढांक के रखा गया था। और सामने ही काउंटर पे एक कागज का पर्चा पड़ा था जिसके ऊपर फ्रेड लिखा था और उसके लिए कुछ निर्देश। उसी के लिए चाबी छोड़ी गई होगी। एक के बाद एक तीलियां जलाते हुए वो चाकू ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे वो चाकू उस काउंटर के पास की ड्रॉट में मिल गया। अपनी सफलता पर उसे सीटी बजाने का मन कर रहा। चाकू को सावधानी से अखबार में लपेटते हुए उसे ख्याल आया कि उसे भूख लग रही थी। उसने एक छोटा सा चीज का टुकड़ा लिया। आसपास डबल रोटी तो थी नहीं, हाँ एक डब्बे में कुछ बिस्किट रखे थे, वो भी उसने ले लिए। और चहलकदमी करते हुए उसने देखा कि दुकान के पीछे एक और कमरा था। वहाँ घुसा और तीली जलाकर आसपास देखा और दो तीन तीलियाँ ऐसे ही जलाने के बाद उसने बत्ती जला दी। छोटा सा कमरा था, कुछ सस्ती सी तस्वीरें दीवार पर टंगी थीं और कुछ छोटे छोटे चीनी मिट्टी के सामान रखे थे सजे हुए। एक मेज़ थी और एक कुर्सी थी जिस पर वो बैठ गया और खाना खाने लगा सामने की दीवार को यूं ही घूरता हुआ। सब कुछ उसी के लिए तो किया था उसने। उसका पहला जुर्म एक दुकान के नकदी के डब्बे से पैसे चुराना, वो भी उसी ने करवाया था। उसकी छोटी मोटी बेवकूफियाँ, उसकी फरमाइशें, उसका घमंडी स्वभाव, हर चोरी के पीछे यही तो रहा था। खाते खाते वो अपने पतन के बारे में सोचने लगा। दीवार पर काले सुनहरे हरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। सोचते सोचते वो यूं ही उसे घूरे जा रहा था। अब उसका आधा दिमाग अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था और बाकी आधा उस लिखाई को जो कुछ कुछ मिट चुकी थी उसमें से उभरे कुछ शब्दों को यूं ही पढ़ रहा था। जान लो भगवान यूं ही मिटा पाप दुनिया। कई साल पहले वो एक चर्च के क्वायर में गाता था। धार्मिकता कुछ मायने रखती थी उसके लिए। कितनी अजीब बात है कि वयस्क होने पर कई चीज़ें जो जीवन को मधुरता देती हैं छूट जाती हैं। जान लो भगवान मिटा। अगर वो धर्म से जुड़ा रहता तो क्या जिंदगी कुछ अलग होती। शब्दों को देखते हुए वो ये सोचता रहा। फिर उसने खाना ख़त्म किया, बत्ती बंद करी, दुकान में बाहर आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। आसपास कोई भी नज़र नहीं आया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, चाबी वापस रोशनदान के खांचे में रखी और चल दिया। लेकिन कुछ था जो उसे खटक रहा था। जेब के चाकू की मौजूदगी उसे हर कदम पर महसूस हो रही थी। पर कुछ था जो खटक रहा था।
सोचने पर उसे लगा शायद वो शब्द जो उसने पढ़े थे। वो मुस्कुराया लेकिन मुस्कान जैसे ओंठों पर ही जम गई। वो अकेला नहीं था, एक आदमी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वो रुक गया और उसका हाथ अनायास चाकू पर ही गया। क्या चाहिए? उसने जोर से पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर चुपचाप उसके साथ चलता रहा। अंधेरे में ना उसका चेहरा दिख रहा था, ना उसके कपड़े दिख रहे थे, बस ये पता लग रहा था कि वो एक लंबा आदमी था और अपने को बड़े आराम से संचालित कर रहा था। चलो, उसने कहा और थॉमस बिना कुछ पूछे उसके साथ हो लिया। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे और थॉमस ने देखा कि वो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ ये जाना चाहता था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, इसके बाद इसका अंत कर दूंगा, सब का अंत कर दूंगा। वो अपने आप ही बोले जा रहा था और उसे ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी कि वो एक अजनबी के सामने अपने दिल की गहराइयों में छुपी सबसे गुप्त बात यूं ही बोल रहा है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि अजनबी ये सब जानता था। वो मुझे नीचे और नीचे धकेलती चली गई। थॉमस सुबक रहा था, पहले मुझे बुरा लगता था पर उसने मेरी अंतरात्मा का गला घोट दिया। चुड़ैल है वो, चुड़ैल। कई मर्द कहते हैं कि औरत ने मुझे उकसाया, वो अजनबी बोला। हालांकि मर्द के पास भी सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति होती है। उसके सामने मेरी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। जब मैं उसे मार डालूंगा तब मैं फिर से इंसान बन पाऊंगा, थॉमस ने कहा। अगर हमारे बच्चे होते तो शायद जीवन कुछ और होता, मगर उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। अगर तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाए तो तुम इंसान बन सकते हो, अजनबी ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में मधुरता के साथ साथ एक उदासी भी थी। हाँ बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रहा हूँ। उसे मार के मैं दुनिया से कह सकता हूँ कि देखो मेरे अंदर जो खराब था मैंने उसे मार डाला, अब मुझे एक और मौका दो। उसने जेब से चाकू बाहर निकाला, बारिश में अखबार भीगने लगा और उसकी नोक को दिखाने की उत्सुकता से थॉमस का हाथ कांपने लगा। मैं उसे सिर्फ अपने हाथ से नहीं मार सकता, तो मैं ये चाकू ले आया, मुझे उसे मारना ही होगा। हालांकि मैं मारने से नफरत करता हूँ, एक बार बचपन में मैंने एक खरगोश को मारा था तो कई दिनों तक अपने को माफ नहीं कर पाया था। अगर तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाए तो तुम फिर इंसान बन सकते हो, अजनबी बोला। हाँ हाँ, फिर मैं अपने पुराने लोगों में वापस जा सकता हूँ, थॉमस ने भर्राई हुई आवाज में कहा। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कितना नीच हो गया हूँ। बड़ी सड़कों को पार करते हुए वो छोटी गलियों में घुसे और फिर वहाँ पे मुड़ते मुड़ते वो और भी छोटी गंदी गलियों में और मैदान को पार करते हुए चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। एक बार एक पतले रास्ते से निकलते हुए उन्हें सामने तीन नावें दिखाई दी जो नदी के किनारे पानी में ऊपर नीचे हो रही थी। दूर एक जहाज की बत्तियां टिमटिमा रही थी। मैं घर में पीछे से घुसूंगा, थॉमस बोला। वो सामने वाले कमरे में सोती है, घर में शायद एक बूढ़ी औरत होगी या शायद वो भी नहीं होगी। अगर तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाए तो तुम इंसान बन सकते हो, अजनबी फिर बोला। हाँ हाँ, मुझे मालूम है जब मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, थॉमस खुशी से चहका। उसने तुम्हें बुराइयों के गर्त में घसीटा, अजनबी बोला। जो अच्छा काम तुमने करना चाहा उसमें अड़ंगा लगाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, थॉमस ने कहा। फिर भी तुम उसके प्रति वफादार बने रहे, उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। भगवान जानता है कि ये सच है। सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, वो बोला। और उसे लगा कि अजनबी भी उसके साथ साथ ये शब्द बोल रहा है। आखिर एक और भी गंदी गली में वो लोग घुसे और थॉमस वहां से घरों के पीछे जाने वाली सकरी गली के मुहाने पर रुका और मुड़ के उसे कहा,
तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे मार कर आता हूँ, जल्दी ही फिर हम लोग एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। उस अजनबी ने कुछ नहीं कहा। थॉमस लपकता हुआ उस गली में गया और एक तरफ मुड़ के और अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां पर एक छोटा सा फाटक था। पिछवाड़े के टूटे फाटक से जाकर वो पीछे वाले कमरे में जा पहुंचा। वहां से उसने एक खिड़की उठाई और हाथों के बल उचक कर खिड़की से अंदर गया। ऐसा करने में चाकू की तेज नोक उसके कपड़ों को चीरती हुई उसकी टांग में चुभी। उसने चाकू को बाहर निकाला, उसकी धार पे हाथ फेरा। अचानक उसे लगा कि उसके बगल में और कोई भी है। चाकू पर उसकी पकड़ और तेज हो गई। कौन है? वो फुसफुसाया। मैं। ये उस अजनबी की आवाज थी। वो चौंका। तुम यहां कैसे घुसे? मैं तुम्हारे साथ ही आया था, अजनबी बोला। चलो चलकर उस औरत से तुम्हें छुटकारा दिलाएं जिसने तुम्हें बुराई के गर्त में घसीटा और जो तुम्हारी आत्मा का गला घोंट रही है। हाँ हाँ, थॉमस बोला और अंधेरे में हाथ बढ़ाकर उसने अजनबी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े दोनों आगे वाले कमरे में घुसे। मध्यम सी रोशनी में उन्होंने देखा एक औरत पलंग पर सो रही है। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था और सोते समय उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने कुछ और भी देखा था अभी ऐसे ही ऊपर नीचे होते। हाँ, वो तीन नावें जो बंधी थी नदी के किनारे, शायद उसकी नींद में खलल पड़ा। वो कसमसाई और फिर हौले से नींद में ही मुस्कुराई और कुछ बुदबुदाई, एक नाम जो उसका नहीं था, जो चाकू पकड़े उसके सिरहाने खड़ा था। क्या तुम इससे प्यार करते हो? अजनबी ने पूछा। थॉमस ने सिर हिलाया। कभी मैं सोचता था, पर क्या तुम इससे नफरत करते हो? थॉमस ध्यान से उसे देख रहा था। मैं इससे नफरत नहीं करता, इसकी बात मानता था क्योंकि मुझे लगा यही मेरा कर्तव्य है। आओ, अजनबी बोला और दोनों हाथ पकड़कर चुपचाप घर से बाहर चले गए और फाटक से बाहर होके अंधेरी गली में आ गए। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे नफरत भी नहीं करता, उसके साथ रहा क्योंकि मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है। मैंने मेहनत की, मैंने चोरी भी की और इसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे मार डालूं। चुपचाप वो दोनों वापस उसी रास्ते से वापस जाने लगे जिधर से आए थे। गलियों में मुड़ते हुए निकलते हुए वो फिर उसी जगह पहुंचे जहां सामने तीन नावें नदी में ऊपर नीचे हो रही थी। अब कि वो नावों की तरफ गए। उस रास्ते के अंत में पत्थर की सीढ़ियां थीं जो नदी तक जा रही थी और जहां पानी के थपेड़ों के टकराने की आवाज़ आ रही थी। थॉमस ने अपने हाथ के चाकू को जोर से दूर नदी में फेंक दिया। कोल, क्या तुम हो? किसी की खुरदुरी सी आवाज़ आई। थॉमस चौंका, जैसे किसी नींद से जगा हो। कोल, कौन है वहाँ? थॉमस ने देखा कि सीढ़ियों के पास जो नाव बंधी थी उसमें चार आदमी थे। मैं, वो बोला। अरे कोल नहीं है वो, कोल नहीं आने वाला, कहीं शराब पी के पड़ा होगा, एक और आवाज़ ने कहा। नाव में कुछ खुसुर फुसुर हुई, फिर एक रौबदार आवाज़ ने कहा, क्यों नौकरी चाहिए बेटा? थॉमस सीढ़ियां उतर के नीचे तक गया। हाँ, मुझे नौकरी चाहिए, किसी ने शिकायत भरे स्वर में जल्दी करने को कहा। मैं खाना बना सकता हूँ, थॉमस बोला, उसने जेल में यही काम किया था। आ जाओ फिर, बाकी सब कल तय कर लेंगे, हम जहाज से वालपराइसो जा रहे हैं, मंजूर है? थॉमस चुप था, फिर बोला, मैं वापस नहीं आना चाहता,
ठीक है, वापसी के लिए हम किसी और को ढूंढ लेंगे, कूद आओ। टॉमस नाव में उतर आया और नाव चल पड़ी। तभी उसे उस अजनबी की याद आई। अब वो उसे बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था। अंधेरे पानी के किनारे वो चमकता सा खड़ा था, अपना हाथ उठाकर टॉमस को विदा देता। टॉमस ने देखा उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था और उसके चारों ओर कोई प्रभा मंडल चमक रहा था। जान लो, वो बुदबुदाया, कैसी अजीब बात है। कुछ शब्द, अलविदा जनाब, अलविदा। किससे बात कर रहे हो? नाव खेने वाले नाविक ने उससे पूछा। वो आदमी जो मेरे साथ था, टॉमस बोला। तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं था, नाविक ने कहा। बिल्कुल अकेले थे तुम। कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी को पढ़ते समय या सुनते समय दिमाग में तमाम ख्याल आते हैं। कौन था वो अजनबी? क्या भगवान या टॉमस की अंतरात्मा, या दोनों एक ही हैं, या कुछ तीसरा, या कोई फर्क भी पड़ता है कि हम उसे क्या नाम देना चाहें? ज़रूरी तो ये है कि हम उसकी बात सुन पाएं। सिर्फ बाहरी दुनिया की बातें न सुनकर उसकी बात सुन पाएं। ला 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 ला